नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करने वाला निजी स्कूल अगले साल मार्च महीने से बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि इस विद्यालय के करीब 2000 छात्र शहर के 19 अलग अलग विद्यालयों में पढ़ेंगे। इस संबंध में विद्यालयों ने सहमति दे दी है, जिसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से सन वैली स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। बता दें कि एमकेपी इंटर कॉलेज में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 22 विद्यालयों के प्रधानाचार्य के साथ बैठक की। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए उप शिक्षा अधिकारी रायपुर पीएल भारती ने बताया कि बीती 12 जून को मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत की ओर से सन वैली स्कूल की मान्यता खत्म करने के आदेश दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि स्कूल ने अल्पसंख्यक संस्थान बताते हुए आरटीआई के तहत बच्चों को दाखिला देने से मना किया था। इस संबंध में विभाग की ओर से कई बार स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन स्कूल की ओर से ना तो खुद को अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण दिया गया, ना ही नियमों का पालन करते हुए आरटीआई में गरीब बच्चों को दाखिले दिए गए। ऐसे में विभाग ने लगातार विद्यालय की ओर से नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उसकी मान्यता रद्द कर दी, जिसके चलते आगामी मार्च महीने से स्कूल बंद हो जाएगा। बता दें कि इस स्कूल के करीब 2000 छात्र छात्राओं को प्रवेश देने के लिए आसपास के 19 विद्यालयों ने सहमति दे दी है। इसके अलावा विभाग अभिभावकों से राय लेकर अन्य विद्यालयों में सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।